हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 3, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन से ये शब्द बना है, मतलब संविधान कैसे डिजाइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे डिजाइन होते हैं, उस बारे में कुछ एक बेसिक चैप्टर है ये, जो आपको अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करवाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत अच्छा चैप्टर है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो के साथ में इसी चैप्टर को। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे साउथ अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो अपार्थाइड क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्यों उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करना पड़ा, और साउथ अफ्रीका क्यों लिखा है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका के केस से क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, नेल्सन मंडेला का नाम लिखा है यहाँ पे। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला वॉज वन ऑफ दी प्रोमिनेंट साउथ अफ्रीकन नेशनलिस्ट। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, या फिर जिस तरह से गांधी जी को याद किया जाता है इंडिया में, उस तरह से नेल्सन मंडेला को याद किया जाता है साउथ अफ्रीका में। एंड ही टू वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधी जी। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे तो वो भी गांधी जी से काफी इंस्पायर्ड थे, गांधी जी के एक बहुत अच्छे फॉलोवर थे, मतलब एक सेंस में देखा जाए उनकी आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे। तो नेल्सन मंडेला वहां पे क्या थे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने आवाज उठाई थी इस अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट में। अपार्थाइड तीन बार आ गया, लेकिन सर अभी तक आपने समझाया नहीं है, वो भी समझाऊंगा मैं। तो नेल्सन मंडेला, इन्हें जेल हो गई थी, ठीक है ना, ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1964 में इन्हें जेल पहुंचा दिया गया था। क्यों जेल पहुंचाया गया था? फॉर ट्रेसन। ठीक है, फॉर ट्रेसन मतलब क्या होता है, ट्रेसन का मतलब ये होता है कि देशद्रोह। तो इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया था। किसने आरोप लगाया था? उस समय की गवर्नमेंट ने। जैसे आज अगर आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपके देश के हित के खिलाफ जाती है, ठीक है ना, इफ यू आर परफॉर्मिंग एक्ट विच इज अगेंस्ट योर कंट्री, देन यू वुड बी चार्ज विद ट्रेसन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेसन की बात होती है कि इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है, और इस देशद्रोह के आरोप के चलते क्या होता है, इन्हें जेल जाना पड़ता है। कब? 1964 में। अब अगर आप ऐसे सोचो कि ये देशद्रोही थे तो फिर इन्हें नेशनलिस्ट क्यों कहा जाता है? तो सोचिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल कर रही थी, उस समय पे बहुत सारे हमारे नेशनलिस्ट लीडर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सभी लोगों को जेल जाना पड़ा था, और जेल गवर्नमेंट उन्हें ये बोल के डालती थी कि ये देश के अगेंस्ट में, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो नेशनलिस्ट ही रहेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो हमें आजाद करवाना चाह रहे थे। ठीक, ऐसी ही चीज यहाँ पे हुई। क्या हुई थी कि साउथ अफ्रीका जो था, तो जिस तरह से इंडिया पे वाइट रूल था, तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका पे भी वाइट रूल था, ब्रिटेन का रूल था। अब साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस की चाह में इन्होंने आवाज उठाई थी, तो गवर्नमेंट के लिए तो ये देशद्रोही रहेंगे, लेकिन देश के लोगों के लिए क्या रहेंगे, ये एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाले क्या रहेंगे, फ्रीडम फाइटर रहेंगे। आया समझ में? तो ये कंडीशन थी पूरी। नेल्सन मंडेला को जेल होती 1964 में फॉर ट्रेसन, हिज डेयरिंग टू अपोज अपार्थाइड। और वो जेल भी इस कारण से होती क्योंकि वो मतलब बहुत डेयरिंगली क्या करते हैं, अपार्थाइड सिस्टम को अपोज करते हैं। अब मैं अपार्थाइड बताता हूं आपको। अपार्थाइड सिस्टम क्या है? अपार्थाइड सिस्टम एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, विच वॉज बिंग स्पॉन्सर्ड या फिर विच वॉज बिंग प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट क्या करती थी, वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती थी, एक तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब लोगों के बीच में भेदभाव को गवर्नमेंट प्रमोट करती थी, गवर्नमेंट इस चीज को स्पॉन्सर करती थी कि हाँ इस तरह से सेपरेशन होना चाहिए। और वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, इट वॉज बेस्ड ऑन दी स्किन कलर, स्किन कलर पे बेस्ड था। मतलब बेसिकली तीन तरह के स्किन कलर के लोग पाए जाते थे, व्हाइट, ब्लैक और कलर्ड। तो व्हाइट तो जो ब्रिटेन से आया, फिर जो व्हाइट समझ गए ना, व्हाइट मतलब क्या, तो जो एक स्किन कलर वाले व्हाइट लोग होते थे, दूसरे ब्लैक्स होते थे जो वहां के नेटिव्स थे, जो साउथ अफ्रीकन नेटिव्स थे वो लोग ब्लैक्स, और तीसरे थे कलर्ड। कलर्ड कौन थे? जो मतलब इंडियंस थे या फिर दूसरे कहीं से ले गए थे, जिन लोगों को वहां पे प्लांटेशन वर्कर की तरह कभी ले गए थे, तो वो कलर्ड थे। तो ब्लैक्स और व्हाइट्स जो थे, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, देवर नोन अस कलेक्टिवली, देवर नोन अस नॉन व्हाइट्स। तो इन लोगों को साथ में क्या कहा जाता, नॉन व्हाइट्स कहा जाता था। सॉरी। तो इस तरह से क्या होता है, कलेक्टिवली उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये इस हाइट पे था कि व्हाइट्स जो थे, तो व्हाइट्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती थी, व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, वो अपने सारे रिसोर्सेज अपने अंडर में रखती थी, सारा सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए करती थी, और ब्लैक्स या फिर कह सकते हैं नॉन व्हाइट्स जो थे, उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। तो प्रॉब्लम्स विच नॉन व्हाइट्स फेस्ड, नॉन व्हाइट्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरिया। तो जहां पे व्हाइट लोग रहते थे, वहां पे इन लोगों को रहने की आजादी नहीं थी, इन लोगों को रहने की परमिशन नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन द एरियाज वेयर व्हाइट पीपल यूज्ड टू रिसाइड। अगली चीज,
दे कैन नॉट वर्क इन व्हाइट एरिया विदाउट परमिट. अब क्या होता है व्हाइट एरिया में, जैसे क्या रहता था कि मान लीजिए जैसे ब्लैक है या फिर नॉन व्हाइट जो है तो वो छोटे मोटे काम करते थे, दे यूज टू रन एरेंड, ठीक है, प्लम्बरिंग का मान लीजिए या फिर इस तरह से. तो उनको अगर काम व्हाइट एरिया में भी मिल रहा है कि हाँ व्हाइट एरिया में कहीं नल सुधारने जाना है, तो वहां पे जाने के लिए भी इन्हें क्या चाहिए रहता था, परमिट चाहिए रहता था. दे कैन नॉट वर्क इन व्हाइट एरिया विदाउट परमिट, ठीक है, दे वर रिक्वायर्ड टू हैव अ परमिट इफ दे वांट टू वर्क इन एरियाज वेयर व्हाइट यूज्ड टू लिव. तो ये एक समस्या हो गई थी उनके साथ में. फिर अगली चीज क्या थी, ऑल द पब्लिक प्लेसेस वेयर सेपरेट फॉर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन. तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती थी, स्कूल्स, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स, चर्च, उसके बाद में बस स्टेशन, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, तो ये सारी जगह क्या होती थी, ये सारी जगह जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती थी इस तरह की, तो वहां पे क्या होता था, एक सेग्रीगेशन पॉलिसी चलता था. सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना. तो पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के चलते ब्लैक्स और व्हाइट्स के लिए अलग अलग होता था ये सब कुछ. सारी पब्लिक प्लेसेस व्हाइट्स के लिए अलग, ब्लैक्स के लिए अलग, बस स्टॉप्स वगैरह, बसेस, सब कुछ. अब इसमें और परेशानी क्या थी, चलो ठीक है अलग कर दिया वहां तक भी ठीक है, लेकिन व्हाइट्स के लिए सब कुछ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला इक्विप्ड होता था, वेल इक्विप्ड होता था, लेकिन ब्लैक्स के लिए बहुत ही पुअर फैसिलिटी होती थी, ठीक है, कुछ भी फैसिलिटी नाम पे कुछ होता ही नहीं था. तो ये सारी चीजों के चलते ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी साउथ अफ्रीका में नॉन व्हाइट्स को. आई होप आपको प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई है कि क्या किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, नेल्सन मंडेला कौन थे, ये आपको समझ में आ गया है और ये सारी चीजें समझ में आ गई. अब आप बोलेंगे कि ये सारी चीजें जब हो रही थी तो अपोज क्यों नहीं किया, तो एक प्रॉब्लम का पार्ट ये भी था कि दे वर नॉट अलाउड टू अपोज, ठीक है, नॉन व्हाइट्स जो थे तो वो इस सिस्टम को अपोज भी नहीं कर सकते, एक बड़ी समस्या ये भी थी. अब क्या है, एक जो पॉइंट हमारा छूट रहा है वो क्या है कि कोशिश जरूर की गई थी, व्हाइट्स जिनके पास पावर हुआ करती थी वो नॉन व्हाइट्स को डिस्क्रिमिनेट करते थे, तो उसके चलते उसके अगेंस्ट में आवाज किसने उठाई, आवाज उठाई थी ANC ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अब कुछ आप में से कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये हमारे यहाँ की इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो अलग चीज है. कांग्रेस सुनते से सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ध्यान नहीं करना है, कांग्रेस एक शब्द है, ठीक है ना, कलेक्टिवनेस का एक शब्द है लिटरल मीनिंग में. तो वो हर जगह जैसे आप देखेंगे हर पॉलिटिकल, उसमें अफ्रीका में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, सारी जगह कांग्रेस देखने को मिलती है. तो कांग्रेस का मतलब होता है कलेक्टिवनेस, ठीक है, तो ग्रुप या फिर उस तरीके से चीज होती है. तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ग्रुप बनी, एक पार्टी बनी, एक अम्ब्रेला पार्टी बनी. अम्ब्रेला पार्टी मतलब ये अम्ब्रेला लेके चलती थी, नहीं, अम्ब्रेला पार्टी मतलब एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर छोटी छोटी पार्टी समा गई हैं, और वो सारी पार्टी ने मिलकर किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट लॉन्च करा, प्रोटेस्ट लॉन्च करा इस डिस्क्रिमिनेशन के, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, विच वॉज बिंग स्पॉन्सर्ड बाय दी गवर्नमेंट, व्हाइट गवर्नमेंट जिस चीज को प्रमोट कर रही थी. अभी देखिए देयर इज दी वॉइस अगेंस्ट दिस. तो ये पूरा जो सिस्टम चला रहा था अपार्थाइड का, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई, आवाज उठती थी, लेकिन हर बार आवाज दबा दी जाती थी. क्यों? क्योंकि पावर किसके पास होती थी, पावर होती थी व्हाइट्स के पास में. तो ये सारी चीजें हो रही थी साउथ अफ्रीका में. अब आई होप हम जो पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तो आप लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आप ये पूरी स्टोरी क्यों सुना रहे. आगे मैं बताता हूं कि आप किस तरह से आजादी मिलती है, किसे आजादी मिलती है, फिर कह लीजिए किस तरह से परेशानी खत्म होती है, अपार्थाइड की परेशानी खत्म होती है, और आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.